केपीएस स्कूल के सभागार में 6 दिवसीय नृत्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। 13 जून से प्रारंभ हुए इस कार्यशाला का समापन 18 जून को किया गया। कथक नृत्य से संबंधित इस कार्यशाला में देश की राजधानी नई दिल्ली से धीरेन्द्र तिवारी शामिल हुए। उन्होंने कथक नृत्य की बारीकियों से अवगत कराया। नेहरू नगर में संचालित केपीएस शाला परिसर में कृष्णा कॉलेज ऑफ म्यूजिक डांस के तत्वावधान में बच्चों को सांस्कृतिक गतिविधियों में आगे बढ़ाने का उद्देश्य लिए प्रतिवर्ष विशेष आयोजन प्रज्ञोत्सव का किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रज्ञोत्सव स्पर्धा में देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिभागी भाग भी लेते हैं। इस वर्ष भी सांस्कृतिक कला से परिपूर्ण ये आयोजन प्रज्ञोत्सव नेहरू नगर के केपीएस स्कूल में किया जाना है। प्रज्ञोत्सव के पूर्व प्रतिभागियों को नृत्य व कला की बारीकियां सिखाने कार्यशाला का आयोजन 13 जून से 18 जून तक किया गया। यहां देश की राजधानी दिल्ली से धीरेन्द्र तिवारी विशेष रूप से शामिल हुए। इस 6 दिवसीय कथक कार्यशाला का समापन 18 जून शनिवार को किया गया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित किया गया, तत्पश्चात कथक में पारंगत प्रतिभागियों ने मनमोहक कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। वहीं केपीएस स्कूल की प्राचार्य सविता त्रिपाठी ने इस राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा प्रज्ञोत्सव को लेकर जानकारी ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ साझा की। वहीं इसका उद्देश्य भी बताया। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर की जो हमारी शाखा है जिसमें 6000 बच्चे अध्ययनरत हैं, यह शाखा एक कृष्णा कॉलेज ऑफ म्यूजिक डांस भी चलाती है। ये कृष्णा कॉलेज ऑफ म्यूजिक डांस जो कि खैरागढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि एकमात्र एशिया की यूनिवर्सिटी है जो सांस्कृतिक क्षेत्र में बच्चों को बढ़ावा देती है, उस दिशा में कार्य करती है। तो हमारी जो शाला है वो कृष्णा कॉलेज के साथ मिलकर के बच्चों के सांस्कृतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में बहुत प्रतिवर्ष कुछ न कुछ कार्यक्रम करती रहती है। हमारा प्रज्ञोत्सव जैसा एक जो कार्यक्रम है, जो कि नेशनल लेवल का एक कंपटीशंस का कार्यक्रम है, जो कि क्लासिकल डांसेस, क्लासिकल म्यूजिक जो कि धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, इस दिशा में इसके कंपटीशंस को ऑर्गेनाइज करती है। 2 वर्षों से चूंकि कोरोना काल के कारण हमारे बीच में ये गैप आया था, और प्रतिवर्ष अगर मैं देखूँ तो इसमें ग्रुप और एकल प्रतियोगिताओं में लगभग 1000 बच्चे जो हैं, और विभिन्न स्कूलों से बच्चे, विभिन्न शहरों से बच्चे इसके प्रतिभागी रहते हैं, और यह कार्यक्रम बहुत ही सफल होता है। विभिन्न चैनलों पर इसको प्रसारित भी किया जाता है। इसी के तत्वाधान में हमने एक कार्यशाला का आयोजन किया, और जिसमें एक बहुत ही नामवर नामचीन व्यक्ति धीरेन्द्र तिवारी जी की प्रयुक्त की कार्यशाला से इसका शुभारंभ किया हमने। तो जब कहते हैं कि जब आगाज अच्छा हो तो उसका अंदाज बहुत अच्छा होगा, तो प्रज्ञोत्सव की शुरुआत जो है वो इस कार्यशाला से की गई है। धीरेन्द्र तिवारी जी जो हैं वो जयपुर घराना से ताल्लुक रखते हैं, विभिन्न देशों में उन्होंने अपना प्रदर्शन किया हुआ है, और इस जो कार्यशाला हुई इसमें हमारी शाला के बच्चे ही नहीं परंतु दूसरे जगहों पे जो इन क्लासिकल डांसेस को, कथक को सीख रहे हैं, उन बच्चों ने भी इसमें भाग लिया, इनसे इनके ज्ञान को सीखा और अपने आप को पारंगत बनाने की कोशिश किया। और यह कार्यशाला जो थी वो 6 दिवसीय कार्यशाला थी, और आज उसका अंतिम दिवस है जिसमें उसमें बच्चों को, जो जिन लोगों ने भी इसमें भाग लिया उनको आज उनकी सर्टिफिकेट वितरण ये सब किया जाएगा। और आगे हम ये उपेक्षा करते हैं कि हमारे आगे उम्मीद करते हैं कि हम हमारे जो
स्कूल में जो ये प्रज्ञोत्सव होने वाला है, जो कि 8 अगस्त से जिसका शुभारंभ है, और जन्माष्टमी के दिवस पर जिसका अंतिम दिवस है, जो क्लोजिंग डे है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर से भाग लेंगे और इसको सफल बनाने की हमारे साथ योगदान देंगे। धन्यवाद। प्रज्ञोत्सव में जो विनर रहेगा उसके लिए कोई इनाम घोषित? प्रज्ञोत्सव में हम हर फील्ड में आप देखेंगे कि हम सिर्फ कुचिपुड़ी नृत्य हो, चाहे आपका ओडिसी नृत्य हो, कथक हो, भरतनाट्यम हो, वोकल हो, एकल हो, ग्रुप हो, और या जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हो, बैंड हो, गायन की प्रतियोगिता हो, ये सब क्षेत्र को हम कवर अप करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हम इन बच्चों को, हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागी हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पुरस्कृत भी हो। तो अगर हम इस टोटल अगर हम इसकी कीमत सोचें, जो प्राइजेज मिलेंगी वो तो मुझे लगता है 2 लाख से ऊपर ही होगी। और अगर हम इसका देखें कि उनको उसका क्या आगे फ़ायदा होने वाला है, तो ये इस छोटे से शील्ड या एक सर्टिफिकेट से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और आप देखिए, किसी भी नृत्य का आधुनिक काल में जो चल रहा है उसका जो आधार है, ये हमारे क्लासिकल नृत्य ही है। हमारे आज जो बच्चे एक जिम्नास्टिक्स वे में ज़्यादा नृत्य करते हैं, और कोई भी कला का जो है आधार हमारे क्लासिकल, हमारे पुरातन तरीके की पद्धति के जो नृत्य हैं वही है। तो उनको पहले वो सीखना चाहिए, उसके बाद ही किसी ऐसे आधुनिक काल के जो नृत्य हैं उनमें सहभागी होना चाहिए। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर ये बहुत बहुत ज़रूरी है, और हमको इसका प्रसार प्रचार करना चाहिए। ये हम चूँकि छोटे बच्चों को डील करते हैं, और छोटे बच्चों में जब अगर इसकी अगर सहभागिता होगी, अगर इसको डाल दिया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा, तो अपने निश्चित तौर पे हमारे इंडियन क्लासिकल डांस जो है वो ज़्यादा अच्छा सीख करके वो इन दूसरे नृत्यों में भी भाग ले सकेंगे। बिल्कुल, यही हमारा उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि सिर्फ खेलते रहना ही नहीं होता है, उसके लिए कुछ ऐसे प्रतियोगिताओं का आयोजन करना भी आवश्यक होता है। क्योंकि जब प्रतियोगिता में बच्चे को ये पता चलता है कि मेरे अंदर क्या खामी रह गई और मुझे उस पर किस दिशा में कार्य करना है और आगे कितना आगे बढ़ने के लिए मुझे अपनी रुचि अनुसार उसको भाग लेना है और कितना आगे अच्छा करना है वो पता चलता है, तो निश्चित तौर पर हमारा उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चों में इन कला, ऐसी कला का विकास हो और बच्चों में रुचि पैदा हो। जी, मैं धीरेंद्र तिवारी हूँ, और मुझे यहाँ कथक की कार्यशाला लेने के लिए आमंत्रित किया है, और मैं दिल्ली से हूँ। कई वर्षों तक मैंने शिक्षण का कार्य किया है, और मुझे लगता है उस शिक्षा पद्धति से जो मैंने ली है अपने गुरुओं से, उससे सभी को लाभान्वित होना चाहिए। और जिस स्तर का नृत्य हम लोगों ने सीखा है, कोशिश करते हैं कि उसका एक एक्सपोजर, उसका एक दर्शन, उसका एक अनुभव यहाँ के विद्यार्थी भी करें। तो उसके लिए मैं यहाँ आया हूँ और मैंने अपनी ओर से प्रयास किया है। आप दिल्ली से हैं, ट्विन सिटीज़ पार्क नगरी के बच्चों में इस कला के प्रति कितनी रुचि दिखी? वर्कशॉप में आपने देखा होगा। बहुत खुश हूँ यहाँ देखकर, यहाँ रिस्पांस देखकर कि कमाल है। मतलब बच्चे भी बहुत मेहनती हैं और उन्होंने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया है कि जितना भी वो दे सकें, जितना भी वो अपने डिलीवर कर सकें अपने टैलेंट को, और वो बहुत अच्छी सी यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सबसे खुशी की बात ये है। राष्ट्रीय स्तर का भव्य प्रज्ञोत्सव आगामी अगस्त में आयोजित किया जाएगा। 1000 से ज्यादा प्रतिभागी देश भर से यहां शामिल होंगे। वहीं उचित पुरस्कार भी विजय प्रतिभागियों को दिया जाएगा। बहरहाल केपीएस स्कूल व कृष्णा कॉलेज ऑफ म्यूजिक डांस की पहल काफी सराहनीय है। पाश्चात्य की ओर बढ़ते विद्यार्थी अपने देश की कला व संस्कृति को इस प्रज्ञोत्सव के माध्यम से समझेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।